आदाब, मैं हूं मोहम्मद रफी। पहले खास खबरें। मुल्क में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए इकदामात का वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने लिया जायजा। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दीगर तीन रियासतों में मुतासरीन की अक्सरियत। दिल्ली में कोरोना वायरस की सूरत हाल पर वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मुनक़द किया इजलास। दवाखानों में ICU बेड्स की तादाद बढ़ाने का हुक्म। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जम्मू कश्मीर में जन संवाद रैली से राजनाथ सिंह का खिताब। आर्टिकल 35A की तंसीख के जरिए कश्मीर के आवाम को राहत पहुंचाने का दावा। कोरोना वायरस की 8 अहम अलामतों की महकमे सेहत ने की निशानदेही। सूंघने और जायके के हिस्से महरूमी, मर्ज की नई अलामतें। आदाब और अब तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक आला सतह इजलास में मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत हाल का जायजा लिया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर सेहत हर्षवर्धन, काबिनी सेक्रेटरी, महकमे सेहत के सेक्रेटरी, ICMR के डायरेक्टर और दूसरों ने इस इजलास में शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म ने दिल्ली के बशमुल मुख्तलिफ रियासतों के मौजूदा सूरत हाल और वायरस के फैलाव को रोकने के लिए किए जा रहे इकदाम के बारे में वज़रा और अहदेदारों से बातचीत की। दो दिन बाद वज़ीर-ए-आज़म मुख्तलिफ रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। नरेंद्र मोदी ने शहरों और अजला में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए दरकार इकदाम के बारे में अवाम में बेदारी पैदा करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने दवाखानों में आइसोलेशन बेड्स की तादाद बढ़ाने की हिदायत दी। बारिश के मौसम में कोरोना के साथ मौसमी अमराज को रोकने के लिए इकदाम की भी हिदायत दी गई। उन्होंने अमित शाह और हर्षवर्धन से कहा कि वो दिल्ली की सूरत हाल पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ बातचीत करें। कौमी दारुलहुकूमत दिल्ली में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफे के पेश नज़र मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज एक खसूसी जायजा इजलास मुनक़द किया। इस इजलास में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बाइजल, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और एम्स के डायरेक्टर रणदीप सिंह गुलेरिया ने शिरकत की। उन्होंने COVID-19 की रोकथाम के इकदाम पर तबादले ख्याल किया। अमित शाह ने दिल्ली के दवाखानों में मरीजों को फराहम की जा रही खिदमात के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने ज़रूरत पड़ने पर ICU बेड्स की तादाद में इजाफे की हिदायत दी। वज़ीर सेहत हर्षवर्धन ने तजवीज़ पेश की कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए तमाम इब्तदाई तिब्बी मराकज़ के तहत आने वाले इलाकों में सर्वे किया जाए। अमित शाह आज शाम 5 बजे BJP की जानिब से मुनक़द किए जाने वाले एक इजलास में से खिताब करेंगे। इस इजलास में वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर और सीनियर अहदेदारों के साथ सूरत हाल का जायजा लेंगे। इस इजलास में हर्षवर्धन भी शिरकत करेंगे। मुल्क में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। मुतासरीन की जुमला तादाद 3,21,626 हो गई है। इनमें से 1,50,064 अफराद दवाखानों में जेर इलाज हैं। 1,62,326 मरीज रूबा सेहत होने के बाद दवाखानों से डिस्चार्ज हो रहे हैं। मुल्क भर में अब तक 9,199 अफराद की मौत हुई है। इसी दौरान तेलंगाना में हफ्ते को कोरोना वायरस के केसेस के रिकॉर्ड तादाद दर्ज की गई। एक ही दिन में 253 अफराद इस वायरस से मुतासर पाए गए। इनमें से 189 केसेस ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हदूद में दर्ज किए गए। संगारेड्डी जिले में 24, मिर्चल में 14 और रंगारेड्डी में 11 अफराद पॉजिटिव पाए गए। महकमे सेहत ने बताया कि 16 मई को लॉकडाउन में नरमी के बाद से कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हुआ है। इसका कहना है कि बाज़ लोग एहतियाती इकदाम नहीं कर रहे हैं। इसी दौरान महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 3,427 नए केसेस दर्ज किए गए। कल से एक दिन में 126 अफराद फौत हुए। इसके साथ ही महाराष्ट्र में महलुकिन की तादाद 3,830 हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की जुमला तादाद 1,04,568 तक पहुंच गई है। मरकजी महकमे सेहत ने कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ दवाखानों में जेर इलाज कोरोना वायरस के मरीजों में 8 अहम अलामतें पाई गई हैं। इनमें बुखार, खांसी, गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ, कमजोरी और नाक का बहना शामिल हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोरोना वायरस की अलामतों में चंद अलामतों का इजाफा किया है। इनमें आसाबी दर्द, गले में बलगम का जमा होना, नाक का बंद होना, असहल, बू और जायके की हिस का खत्म हो जाना शामिल हैं। इसने बताया कि तनफ्फुस के आर्जे से पहले बो सूंघने और जायके की हिस का खत्म हो जाना कोरोना वायरस की अलामत हो सकती है। 60 साल से ज्यादा की उम्र के अफराद और वो लोग जो ज़ायबतीस, हाइपरटेंशन, अमराज कल्ब, फेफड़े और गुर्दे के अवारिज और कैंसर में मुब्तला हैं, ऐसे जुमरों में शामिल हैं जो कोरोना वायरस से जल्द मुतासिर हो सकते हैं। वज़ीर-ए-दिफा राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जम्मू कश्मीर के अवाम से खिताब किया।
जनसंवाद नामी इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया भर के ममालिक कोविड 19 से जंग लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत में इस मर्ज से रूबा सहत होने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि एहतियाती इकदाम के जरिए कोरोना वायरस से महफूज रहा जा सकता है। मरकजी वजीर ने कहा कि पार्लियामेंट में एक वक्त था जब बीजेपी के सिर्फ दो अरकान थे, लेकिन आज इसी पार्लियामेंट में अक्सरियत हासिल है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में यह मुमकिन हुआ है। शहीद हुए अपने सेना सीएपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों की स्मृति को नमन करता हूं और यहीं पर कश्मीर में सरपंच अजय पंडिता की जिस तरीके से कायराना हमला करके हत्या की गई है, निर्मम हत्या की गई है, बहनों भाइयों में उन अजय पंडिता की स्मृति को ही मैं नमन करता हूं। जम्मू के कार्यकर्ताओं को और जम्मू की जनता को संबोधित करने के लिए भी मैं खड़ा हुआ हूं तो मैं पंडित प्रेमनाथ जी डोगरा को भी नमन करना चाहता हूं और साथ ही नमन करना चाहता हूं कश्मीर घाटी के बारामूला क्षेत्र के रहने वाले मोहम्मद मकबूल शेरवानी को जिन्होंने 1947 में कश्मीर में भारत का तिरंगा झंडा फहराने का काम किया था, उनको भी मैं नमन करता हूं। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने अपने 6 वर्षों का कार्यकाल पूरा किया है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव इस महीने की 16 तारीख को जिले कलेक्टर्स के साथ एक इजलास मुनक्कद करेंगे। इस इजलास में रियासत में कोरोना की सूरत हाल, नई जरूरी पॉलिसी, वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंस और दीगर उमूर पर गौर होगा। प्रगति भवन में होने वाले इस इजलास में महकमे ज़राअत, दही तरक्यात और जंगलात के आला अहदेदार शिरकत करेंगे। इजलास में बारिश की सूरत हाल, जरिए सरगर्मियां और किसानों से मुतालिक उमूर पर गौर होगा। चीफ मिनिस्टर नई जरूरी पॉलिसी के बारे में अहदेदारों की राय जानने की कोशिश करेंगे। दही रोजगार स्कीम के तहत अंजाम दिए जाने वाले कामों और इस महीने की 20 तारीख से शुरू होने वाले हरित हरम पर भी तबादला ख्याल होगा। इम्कान है कि वज़ीर आज़म के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान केसीआर इससे कबल मरकज को पेश की गई मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर इल्तवा उमूर और दही रोजगार स्कीम को ज़िरात के साथ जोड़ने के मुतालबे को रखेंगे। हैदराबाद में आवाम को तिब्बी खिदमात की फराहमी के लिए हुकूमत की जानिब से कायम किए गए बस्ती दवाखानों को आवाम की जानिब से हौसला अफजा रद्द अमल मिल रहा है। इन दवाखानों में गुरबा को तिब्बी सहूलतों की फराहमी के अलावा खून के नमूनों की जांच भी की जा रही है। बस्ती दवाखानों में मुफ्त तिब्बी खिदमात, अद्वियात और तशखीस मुआयनों की सहूलत पर गुरबा ने मसरत का इजहार किया। మెడిసిన్ కూడా బాగా ఇస్తున్నారు వాళ్ళు, డాక్టర్స్ కూడా ట్రీట్ చేయడం కూడా బాగా చేస్తున్నారు. ఫెసిలిటీస్ అవైలబుల్ ఇన్ బస్సీ దవాఖాన. ఫస్ట్ ఈస్ డాక్టర్ కన్సల్టేషన్ అండ్ డయాగ్నోస్టిక్స్ అండ్ డ్రగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. డయాగ్నోస్టిక్స్ ఇస్ 132 టైప్స్ ఆఫ్ డయాగ్నోస్టిక్స్ వీఆర్ డూయింగ్ అండ్ 156 టైప్స్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ వీఆర్ గివింగ్ హియర్. We receive samples from almost 200 Basti Dawakhana. This processing is done in the late night also, and once the results are ready, they are interfaced immediately at that moment, and then these results are dispatched the next day. और यहाँ पे टेलीमेडिसिन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिससे हम यहाँ से उस्मानियन गांधी के डॉक्टर्स को कनेक्ट करते हैं। इससे फ़ायदा ये है कि यहाँ के पेशेंट्स को वहाँ पे लंबी कतार में ठहरने की ज़रूरत नहीं पड़ती और हम यहाँ से ही उनको डायरेक्टली वीडियो कॉलिंग के ज़रिए उनसे बात कराते हैं। इन एंटीनेटल क्लिनिक वी कॉल ऑल द प्रेग्नेंट लेडीज एंड देन वी रजिस्टर देम एंड रेफर देम टू प्राइमरी हेल्थ सेंटर फॉर रजिस्ट्रेशन इन टू। खून के ग्रुप बनाने वाले साइंसदान कार्ल लैंड स्टीनर का आज यौमे पैदाइश दुनिया भर में ब्लड डोनर डे के तौर पर मनाया जा रहा है। दुनिया भर में खून का अतिया देने वाले इस नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदान का यौमे पैदाइश मनाते हैं। थैलेसीमिया जैसे अमराज में मुब्तला लोगों का खून मुसलसल बदलने की जरूरत होती है। हालिया अरसे में सामने आने वाले मर्ज चिकनगुनिया के मुतासरीन को भी प्लेटलेट की जरूरत होती है। आमतौर पर खून का अतिया देने वाले का वजन 50 किलो और इसकी उम्र 18 से 60 साल के दरमियान होनी चाहिए। ऐसा शख्स गुज़श्ता 6 महीनों में किसी मर्ज से मुतासिर ना हुआ हो,
एचआईवी, कैंसर, जायबतीस, रेबीस और दीगर अमराज में मुबतला लोग खून का अतिया नहीं दे सकते। मुल्क में 15 करोड़ अफराद खून का अतिया दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ 8 लाख अफराद ही खून का अतिया देते हैं। इसीलिए मरीजों के लिए खून की शदीद किल्लत है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर एक बार इजाफा हुआ है। तेल की सरकारी कंपनियों ने पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 59 पैसे और डीजल की कीमत में फी लीटर 58 पैसे का इजाफा किया है। इस तरह अब तक पेट्रोल की कीमत में 3.90 रुपये और डीजल की कीमत में 4 रुपये का इजाफा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 75.16 रुपये फी लीटर हो गई, जबकि हैदराबाद में यह कीमत 78.68 रुपये हो गई। दफ्तर मौसमियात ने पेशकयासी की है कि तेलंगाना में आइंदा 24 घंटों के दौरान कई मुकामात पर हल्की ता औसत बारिश हो सकती है। शुमाली साहली आंध्र में हवा के कम दबाव के जरिए सर तेलंगाना में बाज मुकामात पर बारिश का इम्कान है। आखिर में खबरों का खुलासा एक बार फिर। मुल्क में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए इकदामात का वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने लिया जायजा। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दीगर 3 रियासतों में मुतासरीन की अक्सरियत। दिल्ली में कोरोना वायरस की सूरत हाल पर वजीर दाखिला अमित शाह ने मुनक्किद किया इजलास। दवाखानों में ICU बेड्स की तादाद बढ़ाने का हुक्म। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जम्मू कश्मीर में जनसंवाद रैली से राजनाथ सिंह का खिताब। आर्टिकल 35A की तंसीख के जरिए कश्मीर के आवाम को राहत पहुँचाने का दावा। कोरोना वायरस की 8 अहम अलामतों की महकमे सेहत ने की निशानदेही। सूंघने और जायके के हिस्से महरूमी मर्ज की नई अलामतें।